टू माई चैनल लखनवी का श्रेया। हाई आई एम श्रेया। तो आज मैं आपके साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। बहुत टाइम हो गया था मैंने कोई मेकअप वीडियो शूट नहीं किया है। शूट किया था लेकिन काफ़ी टाइम पहले किया था, एंड मैंने सोचा कि क्यों ना एक मेकअप लुक शूट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न तो ख़त्म हो गया है बट वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। तो आई थॉट कि क्यों ना एक मेकअप लुक शूट किया जाए, एंड क्योंकि मैं अभी एक आई शेडो पैलेट का मैंने रिव्यू शेयर करना है, तो मैंने सोचा कि मैं उसी से ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करूँ और रिव्यू भी शेयर कर दूँगी और एक मेकअप लुक भी क्रिएट हो जाएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, यू नो, आपको समझने में कि आप किस तरीके से इस पैलेट को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को प्रेप कर लेना है। तो मैंने मॉइस्चराइज़र पहले लगा लिया था, एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम कलर बार। ऑल टाइम फेवरेट है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोस काफ़ी टाइम पहले से देख रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि ये वाला मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये आई गेस तीसरी बॉटल है, या ये तीसरी बॉटल है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा स्किन जो है वो ऑयली है, तो ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर बहुत ही परफेक्ट होते हैं। ऑल्दो इसका जो MRP है वो 800 समथिंग है, 850 रुपीज़, बट ये आपको कुछ 500 के अंदर नीट मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बेस मेकअप करने वाले हैं। तो मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है, एंड आपको कम से कम 30 सेकेंड वेट करना है ताकि ये जो प्राइमर है ना, अगर आप चाहो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप एक मिनट के लिए प्राइमर को फेस पे छोड़ दें। मॉइस्चराइज़र भी जब आप लगाते हो तो कम से कम 1 से 2 मिनट दे उसको, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले, जैसे प्राइमर मैंने लगाया है, या फिर आप इससे पहले सीरम लगा सकते हो। तो थोड़ा टाइम देना है, कम से कम 1 मिनट दे सकते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट दो। इफ़ इन केस अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 30 सेकेंड कम से कम। तो मैंने अभी लगा लिया है और अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं ऑलवेज़ ना वॉइस ओवर करके ही मेकअप वीडियो शूट करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि यू नो, इस तरीके से बात करते हुए मैं एक मेकअप वीडियो शूट करूँ। थोड़ा यू नो डिफरेंट वीडियो शूट होगा, तो इसलिए मैंने सोचा। एंड मैंने प्राइमर लिप को भी प्राइम कर लिया है। मैंने क्या लगाया था, मैंने बोरोप्लस लगाया हुआ है क्योंकि अभी मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और ठंडी में बोरोप्लस बेस्ट है। ऑल राइट, अगर आपने मेरे मेकअप वीडियोस देखे होंगे तो मैं प्राइमर के बाद ऑलवेज अपने बेस को, अपने फेस को सेट करती हूँ। तो यहाँ पे भी वही करने वाली हूँ। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्टे कॉर्की का कॉम्पैक्ट। बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। बिल्कुल अगर आपको एक नेचुरल लुक चाहिए, अगर आप डेली बेसिस पे फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते हो, जस्ट गिव इट अ ट्राई। यू कैन सी कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है ये आपको बिल्कुल एक क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन बेस की तरह एक देगा। अगर आपको बिल्कुल एक लाइट सा कवरेज चाहिए ना कुछ, विंटर के लिए तो परफेक्ट है ही। समर में भी मैंने इसको यूज़ किया, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये। तो मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ। और तो मैं हाथ से क्यों लगा रही हूँ, मुझे इसमें स्पंज आता है। तो मैं कुछ इस तरीके से बहुत ही हल्का सा, कुछ बहुत ज़्यादा वैसा नहीं, क्योंकि अभी समर में ना मैं ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, बट विंटर में मुझे बस हल्का सा इसको ऐसे सेट कर लेना, एंड दैट्स इट। क्योंकि मुझे विंटर में भी कभी कभी पसीने आ जाते हैं, इसलिए अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बट इफ इन केस अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको विंटर में भी थोड़ा बहुत पसीना आता है, तो आपको ट्राई करना चाहिए, ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये Maybelline Fit Me फाउंडेशन इन द शेड 128 वार्म न्यूड। या ये 24 आवर फुल कवरेज देता है आपको, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसकी प्रॉब्लम बस इतनी ही मुझे लगती है ना, ऑल दो ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, अच्छा कवरेज देता है, बट इसमें प्रॉब्लम इतना है कि ये जो है काफ़ी जल्दी आपके स्किन पे सेटल डाउन हो जाता है। अगर आप बिगनर हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसको ब्लेंड करने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगनर हो ना, तो इसका एक और वर्जन आता है ना, वो छोटा वाला, आप वो ट्राई करो। वो थोड़ा लिक्विडी होता है, ये भी लिक्विडी है, बट ये थोड़ा थिक है, आप देख सकते हो। ये आपके फेस पे ना बहुत ही जल्दी सेटल डाउन हो जाता है, तो अगर आप जल्दी से इसको ब्लेंड नहीं करोगे ना, तो पैचेस पड़ जाते हैं फेस पे और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ब्लेंड करने का तरीका मैंने एक बार और बताया था आपको, बट मैं फिर से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लेना है और एक साइड पर पहले आप लगा लो। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि प्यूना स्टोन का है।
और इस तरीके से ब्लेंड करो। जितना जल्दी आप ब्लेंड करोगे ना उतना अच्छा है, वरना ये एक बार अगर सेटल हो गया ना तो इसको रिमूव कर पाना, मतलब ब्लेंड कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो फाउंडेशन डन है, अभी मैं कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का कंसीलर, जिसका NYB टोटली रिमूव हो चुका है। शेड नंबर इस पर तो नहीं है मेंशन। ये मेरे स्किन से आप देख सकते हो 2-3 शेड लाइटर शेड है ये, क्योंकि हाईलाइटिंग के लिए हमें लाइटर शेड ही पिक करना होता है। तो मैं अपने हाई पॉइंट्स पे इसको अप्लाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा कंसीलर आपको अप्लाई नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ कितना और कैसे अप्लाई करना है। तो आँखों पे मैं आप देख सकते हो मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, नोज़ एरिया पे, फॉरहेड पे, ये सब जगह नॉर्मली है। आई के नीचे पहले क्या होता था ना, हम ट्राइंगल शेप ड्रॉ करते थे कुछ इस तरीके से, जो कि अब नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर अप्लाई करना है। बिकॉज अब बहुत ज़्यादा अगर लगाते हो ना तो केकी हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करो क्योंकि बहुत ज़्यादा केकी लगने लगता है, इसलिए। तो मैंने अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा इधर भी करूँगी अपने ब्राउ बोन पे। मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और बस आपको डैब डैब करना है कुछ इस तरीके से। अब हम करेंगे अपने फेस को सेट। तो मैं यहाँ पे सेम कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और अभी ब्रश की मदद से सेट करूँगी मैं। इसको कॉन्ट्रोल करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे ये एलेगार का कॉन्ट्रोल किट यूज़ कर रही हूँ, ऑल टाइम फेवरेट है मेरा ये, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब इसमें जो शेड है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ऑलराइट, तो अभी कॉन्ट्रोल पे ही छोड़ते हैं और अब हम आई मेकअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ, सो आई मेकअप के लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा बोल्ड काइंड ऑफ आई मेकअप करूँ मैं, और लिपस्टिक न्यूड रखने वाली हूँ। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला आई शेडो पैलेट, इट्स फ्रॉम ब्यूटी ग्लेज कलर बॉन्ड मीट योर मैच 72 कलर आई शेडो पैलेट। तो उसमें 72 कलर्स मिलते हैं आपको एंड ये कुछ 500 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा है। इसका रिव्यू आप चेक कर लेना, अभी मैं इसका रिव्यू डालने वाली हूँ, इस वीडियो से पहले जाएगा रिव्यू, तो मेक श्योर कि आप चेकआउट कर लो। एंड तो आप देख सकते हो शेड्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं इसमें, तो चलो अभी ट्राई करते हैं इसको। ये दो शेड यूज़ करने वाली हूँ, इसको मैं नीचे रखती हूँ उसके बाद। सो ये मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ क्रीज के ऊपर ब्लेंड करना है। सो उतना ज़्यादा पिगमेंटेड तो नहीं है बट ट्रांजिशन शेड के लिए परफेक्ट है। ऑलराइट गाइस, तो मैं थोड़ा स्मोकी काइंड ऑफ अ लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये स्टे कॉर्टी का बैडेस्ट काजल इन द शेड ब्लैक, और उसको मैं अपने लैश लाइन के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करना आपको, सिंपली बस एक पतला सा लाइन ड्रॉ कर लेना है और उसको स्मोक आउट कर लेना है। तो ये काम भी मैंने कर लिया है, पहले इस आँख पे मैं कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरी आँख पे हम उसको स्मोक आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्लेंडिंग ब्रश और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड अच्छे से। सो कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है एंड स्मोकी आई में ना
इस टाइप के जो काजल वाले जो आई मेकअप होते हैं उसमें एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आता है ना तो आपको लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक लाइनर इफेक्ट दे दिया है, तो इसलिए लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप चाहो तो आप लाइनर लगा सकते हो। तो अभी इस आँख पे भी हम कर लेते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला आई शेडो पैलेट जो कि SFR कलर का है, मेगा आइस करके। ये मैंने ऑफलाइन बाई किया था कुछ 100 रुपये में, या उसमें से मैं ये ऑरेंज शेड पिक करने वाली हूँ। ऑल्दो उसमें भी ये ऑरेंज शेड है, बट मैंने सोचा कि मैं दोनों को यू नो मिक्स एंड मैच करके क्रिएट करूँ, क्योंकि उस वाली वीडियो में जो रिव्यू किया था उसमें इस वाले पैलेट का भी रिव्यू शेयर किया था मैंने। तो यहाँ पे इसके साथ ये ब्रश आया था, तो मैं इसी ब्रश को ब्रश में पिक करने वाली हूँ ये ऑरेंज शेड। और जो ब्लैक शेड हमने अप्लाई किया है उसके ठीक ऊपर इसको ब्लेंड करेंगे हम। काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, एंड अगर आपको लगता है कि नीचे वाला जो काजल हमने लगाया है वो थोड़ा सा डल हो गया है, तो एट द लास्ट आप ब्लैक आई शेडो लेके उसको हल्का सा स्मोक कर सकते हो, या फिर आप काजल से भी कर सकते हो। तो हम लास्ट में उसको ठीक कर लेंगे। तो ये हमने कुछ ऐसे लगाया है, और अब एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे हम और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ओके, जो ऑरेंज शेड मैंने लगाया था ना उसके ऊपर मैंने ये वाला मरूनिश ब्राउन काइंड ऑफ अ शेड है उसको अप्लाई किया है, तो एक काफ़ी अच्छा इल्यूजन क्रिएट हुआ, यू नो डार्क एंड देन फिर लाइट एंड देन फिर लाइट। तो मैं थोड़ा और ऑरेंज शेड ले रही हूँ और ऊपर की तरफ इसको हम फिर से ब्लेंड करेंगे कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये वीडियो में ना थोड़ी ज़्यादा ही ब्राइट दिख रही है, बट एक्चुअल में उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, मे बी कलर लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। वो काफ़ी तक स्मूदिंग लग रहा है ये, वैसे तो अभी काफ़ी ज़्यादा यू नो पॉप लग रहा है ये, बट जब हम इसको पूरा कर लेंगे तब आपको ओवरऑल लुक अच्छा दिखेगा। तो अभी मैं ये वाला आई भी कर लूँ उसके बाद दिखा। मेरा क्या बचा है, ब्लश और हाइलाइटर बचा हुआ है, तो अभी हम जल्दी से वो लगा लेते हैं। तो वेयर इज़ माई ब्रश, ओके सो देयर इज़ द ब्रश, हेयर इज़ द ब्रश। और ब्लश के लिए मैं इसी पैलेट में से कोई शेड चूज़ करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ ये वाला जो पीची शेड है ना इसको अप्लाई करूँ, क्योंकि हमारा जो आई मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, तो ब्लश थोड़ा सा अगर सटल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैं इधर इसलिए देख रही हूँ ना क्योंकि इधर मिरर लगा हुआ है इसलिए। ये ब्लश इस आई मेकअप के साथ बिल्कुल ये SFR का हाइलाइटर जो कि सेम उस वीडियो में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, ये भी मैंने 100 रुपये की बाई करी थी, हाँ समर ऑफ लव। सो ये ना काफ़ी प्यारा सा शैम्पेन शेड है, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो ये हम अप्लाई करने,
है एंड इसके साथ मैं मिक्स करने वाली हूँ ये वाला शेड जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिया था कुछ 50 रुपये में. बहुत ही प्यारा सा पिंक काइंड ऑफ अ शेड है ये. तो मैं इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करने वाली हूँ. लेट्स सी ये कैसा टर्न आउट होता है. तो सबसे पहले मैं ये ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन ब्रांड की. ऑलराइट ये भी अच्छी लग रही है बट ये ना ऊपर से ब्लू ब्राउन दिख रही है आप देख सकते हो बट लगाने के बाद ही हल्का पिंक टोन दे रही है आपको. तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस बिकॉज ये ऑलरेडी ये भी पिंक है. तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बेला वॉट्सी का ये लिप क्रेयॉन इन द शेड 08 लिव इन द लाइफ. सो ये ब्राउन शेड है क्योंकि ये जो है क्रेयॉन है तो चेंज नहीं होने वाला. तो मैं इसके ऊपर से इसको अप्लाई करने वाली हूँ. ओके मुझे जैसा शेड चाहिए अभी तक ये बना नहीं है. लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. तो अभी कौन सा ट्राई करूँ. ओके तो आई हैव दिस इनसाइड का लिपस्टिक इन द शेड 3 ब्राउन बेरी. लेट्स सी कि इसको लगाने के बाद कैसा शेड होता है. सो ये ना ब्रिक काइंड ऑफ अ ब्राउन शेड है एंड तीनों मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा सा शेड आया है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. क्या बोलते हो. तो मैंने 3 शेड मिक्स किए हैं उसके बाद ये शेड क्रिएट हुआ है. तो आप भी इस तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसा शेड नहीं है जो कि आप ट्राई करना चाहते हो तो आप लिपस्टिक को मिक्स एंड मैच करके कुछ शेड्स खुद से क्रिएट कर सकते हो घर पर जैसे कि मैंने अभी किया एंड ये बिल्कुल परफेक्ट शेड है जैसा मुझे चाहिए. फेस मेकअप डन हो चुका है. मैंने फॉल्स लैशेस भी लगा लिए हैं. मेकअप में वो स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वरना आपका फेस जो है ना वो उतना ज़्यादा निखर के नहीं आता है. आपकी आंखें उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती है. तो किया है तो अभी मैं अपने आईब्रो को फिल करने वाली हूँ. उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल इन द शेड 102 डार्क ब्राउन. तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम स्पूली लेंगे वैसे इसमें भी है तो आपको अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं है. एंड ये जो है ना आपको आई गेस 50-60 रुपये में मिल जाती है या. तो सबसे पहले स्पूली से हम करेंगे कॉम आईब्रो को एंड जो आपका एक्चुअल शेप है बस उसी पे आपको ड्रॉ करना है. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है आपको. ऑल दो अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है डार्क ब्राउन शेड है या ब्लैक शेड है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो उसको भी यू नो लगा सकते हो. तो आप देख सकते हो मेरा जो शेप है मैं बस उसी पे ड्रॉ कर रही हूँ बस उसको फिल कर रही हूँ. अगेन आपको स्पूली लेना है एंड जो प्रोडक्ट है उसको मिक्स कर लेना है अपने आईब्रो में. सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंट दोनों आँखों में. ये आँख इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है बिल्कुल यू नो एक फिनिश लुक आ रहा है इस वाले साइड पे और इस वाले साइड पे अभी भी लग रहा है जैसे कुछ तो खाली है. तो हमारी आईब्रो मेक श्योर कि जब भी आप कोई सा भी मेकअप करो इवन डे टाइम पे भी कोई डेली बेस मेकअप कर रहे हो आप तो मेक श्योर कि अपने आईब्रो को ज़रूर फिल करो. उससे आपका जो फेस है वो फुलर दिखता है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है. सो डन है बेस मेकअप और अभी मैं सेट करने वाली हूँ फेस को. सो आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइट फोटो फोकस फाइन मैट सेटिंग स्प्रे.
तो काफ़ी अच्छा सेटिंग स्प्रे है, बट इसकी जो ये बहुत ही गंदा है। सो सेट करने से क्या होता है ना, अगर आपको नहीं पता है कि जब आप फेस को सेट करते हो तो वो क्या करता है, जो सेटिंग स्प्रे होता है वो क्या करता है आपके फेस के लिए, तो ये दो चीज़ करता है। सबसे पहले तो आपके फेस पे अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हुआ है, पाउडर वगैरह अगर कहीं पे है, तो ये उसको सेटल डाउन कर देता है, जैसे कि आपका फेस पाउडरी नहीं लगता, बिल्कुल मैटिफाइन लगता है एंड आपके बेस को, एंड दूसरा ये कि आपके बेस को बिल्कुल सेट कर देता है, ये लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, तो इसलिए हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं। एंड अब जो मेरा फेस है बिल्कुल परफेक्ट है, पार्टी रेडी। तो आप ये लोग किसी भी पार्टी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो, इन्हें क्रिएट कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो, देन वॉट एवर यू वॉन्ट जस्ट गो विद इट, क्योंकि ये लोग हर यू नो आउटफिट के साथ खूबसूरत लगने वाला है। आप इंडियन पहनो, इंडो वेस्टर्न पहनो या फिर वेस्टर्न पहनो, अभी मैंने बस एक हाई नेक वेयर किया हुआ है एंड उसके साथ भी ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेयर स्टाइल आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं ज़्यादातर ओपन हेयर स्टाइल रखती हूँ। सर्दियों में दो फायदे होते हैं, एक तो हेयर अच्छे लगते हैं ओपन हेयर मुझे, और दूसरा कि मेरे कान में हवा नहीं जाता, इसलिए। तो अभी मैं रिसेंटली मैंने जो एक मेकअप लुक शेयर किया था पर्पल एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में मेकअप लुक शेयर किया था, उसमें भी मैंने अपने हेयर को ओपन ही रखा था, सिंपल फ्रंट पार्ट एंड करके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे वो। एंड ये वाला मेकअप लुक भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो ये वाला मेकअप लुक। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो गाइज, एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऑल्सो टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हैंडल है लखनवीगल18। तो अगर आप चाहो तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स एंड फन। सो या मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।